नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का सारणीयन। जब बात आती है तथ्यों का सारणीयन, तो उससे पहले ये भी जानना जरूरी होता है कि सामाजिक शोध क्या है। वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता निश्चित तरीकों से, निश्चित स्टेप से, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों का एकत्रित करता है। जब बात आती है तथ्यों को एकत्रित करने की, तो वो वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करता है। उस वैज्ञानिक तरीके में वो आंकड़ों को असंबद्ध तरीके से, बिखरे हुए जटिल रूप में होते हैं, मतलब कितनी भी सही ढंग से करे, लेकिन वो जो डाटा होता है वो फैला हुआ है, अनमैनर्ड तरीके से रहता है, सीरियली अरेंज नहीं रहता है। ऐसे में उन तथ्यों को जब तक कि व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनको वर्गों में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि उनको सीरियल से नहीं लगाया जाएगा, तब तक उस तथ्य का कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब तक उस मटेरियल को अलग से नहीं रखा जाएगा, क्रम में नहीं लगाया जाएगा, और ये काम एक मिस्ट्री करता है। उसी तरह का अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो उस तरह से हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी क्लासिफिकेशन की। पहले उनको वर्गीकृत किया जाता है और उन वर्गीकृत तथ्यों को फिर टेबुलेशन के जरिए, सारणीयन के जरिए, वर्टिकल और ओरिएंटल रूप में व्यवस्थित करने का काम किया जाता है। तो सारणीयन एक ऐसा ही तरीका है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। टेबुलेशन के अर्थ की, तो इसके अर्थ को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन मेन बात यही आती है कि सारणीयन का मतलब एक सोच समझकर किसी समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से जो डाटा है, जो संख्या है, उन तथ्यों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करने का एक तरीका टेबुलेशन कहलाता है। इसी में जब हम पीवी यंग की बात करते हैं, जिन्होंने बात कही है When the masses of data has been assembled, यानी हम बहुत सारे डाटा को एक तरह से अरेंज करते हैं। इट इज नेसेसरी टू अरेंज, मतलब ये चीज जरूरी होती है। द मटेरियल इन सम काइंड ऑफ कंसाइज एंड लॉजिकल ऑर्डर, मतलब हम उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। जब बात आती है टेबुलेशन की, तो टेबुलेशन इज पुट द होल डाटा, यानी पूरा पूरा जो डाटा है वो कंसाइज किया जाता है, प्रिसाइज किया जाता है और तार्किक ढंग से उसको अरेंज किया जाता है। ये जो ऑर्डर है वो एक तरह से ऑर्डर कैन बी ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स, इसमें हम कॉलम्स बनाते हैं और लाइंस, कॉलम्स और लाइंस, यानी एक तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आधार पर हम खंड बनाते हैं, जिसके आधार पर वो चीज जो वर्गीकृत हुई थी वो चीज, उसके आधार पर हम उसको समझा सके, उसके आधार पर हम उसके विश्लेषण कर सके, विच मेक इट इजी, जिससे कि जो डाटा है वो अच्छी तरह से समझ में आए और सरल ढंग से उसको हम प्रस्तुत कर सके। बिना टेबुलेशन के जो डाटा है वो एक तरह से समझ में नहीं आ सकता। तो टेबुलेशन से हम उसको जब अरेंज करते हैं तो उस चीज के आधार पर हम उसको समझा सकते हैं। टेबुलेशन इज द ओनली पार्ट ऑफ टेक्निकल, एक तरह से ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग करके हम उसकी विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इन पार्ट्स की बात अगर हम करते हैं, जो इसके जो मुख्य भाग खासकर टेबुलेशन के बारे में कहा जाता है, इसके बहुत सारे मुख्य भाग बताए गए हैं। तो उस मुख्य भागों में हम पहले तो जो सारणी का नंबर है उसकी बात करते हैं। सारणी का नंबर, एक तरह से जब हम कोई भी सारणी बनाते हैं तो उसका नंबर देना बहुत जरूरी हो, ताकि किसी चीज के बारे में बताने से पहले हमको नंबर ज्ञात रहेगा तो उस चीज को समझना आसान होगा, उसका विश्लेषण करना आसान हो गया। एक तरह से तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारी सारणी बनानी पड़ती है, कुछ पहले चैप्टर की, कुछ दूसरे चैप्टर की, कुछ तीसरे चैप्टर की, इस तरह से डिफरेंट चैप्टर्स जब थीसिस के तैयार होते हैं, रिसर्च के तैयार होते हैं, तो उसमें बहुत सारी टेबुलेशन होते हैं, बहुत सारी टेबल्स बनाई जाती है, तो प्रत्येक टेबल्स को एक नंबर देना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए एक अहम पार्ट होता है सारणीयन का, वो होता है सारणी की जो नंबर है वो देना होता है। दूसरा बात आती है जब टेबल बनाई जाती है, तो उस टेबल में हम उसका एक तरह से सारणी के शीर्षक क्या है,
सारणी का शीर्षक देना बहुत जरूरी है, अर्थात बिना शीर्षक के वो दूसरे व्यक्ति की जो उसको पढ़ रहा है उस सारणी को, तो उसकी समझ में एकदम से नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक टेबल को एक टाइटल दिया जाए, एक शीर्षक दिया जाए, इसलिए प्रत्येक सारणी को एक शीर्षक दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कैप्शन ऑफ कॉलम एंड रोज, जो खानों में पंक्तियों के जो अनुशीर्षक हैं उन उसको भी व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जो अनेक खड़े हुए और पड़े हुए खानों में जो विभाजित सारणी होती है, उन सारणियों के भागों को एक तरह से पंक्तियों के अनुशीर्षक की बात आ जाती है, ताकि वो चीज समझ में आए। खानों और कतारों में जिन तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है उनके अनुशीर्षक देना आवश्यक होता है, क्योंकि जब जब तक उसको अनुशीर्षक नहीं देंगे तो तथ्यों की प्रकृति को समझ में नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम अरेंज करते हैं जो भी आइटम्स होते हैं, तो उनको अरेंज करना जरूरी होता है, यानी पदों को व्यवस्थित करना जरूरी होता है। तो सारणी का जो ढांचा होता है, सारणी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको विभिन्न खानों पंक्तियों में लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो एक तरह से उसमें जो पद होते हैं, वो पद हो सकते हैं वर्णात्मक, हो सकते हैं भौगोलिक, हो सकते हैं या अन्य किसी आकार के हो सकते हैं, उनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ फुटनोट्स, ये फुटनोट्स यानी फुटनोट्स खासकर जो मैंने निशान बनाए हैं उसके आधार पर हम फुटनोट्स को डिटेल में नीचे की तरफ लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी खासकर सारणी में प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पृथक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। बहुत सी बातें टेबल्स में आम लोगों को समझ में नहीं आ सकती, लेकिन उनको समझाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, उस चीज को डिटेल में चैप्टर के लास्ट में या उस पेज के लास्ट में उस चीज को एक तरह से एक चिन्ह बनाकर उस चीज को नीचे समझाया जाता है। इसके साथ साथ सोर्स, हमको ये भी बताना होता है कि हमने टेबल्स में जो डाटा इकट्ठा किया है, डाटा प्रस्तुत किया है, वो प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। अगर सेकेंडरी डाटा है तो सेकेंडरी डाटा कहाँ से लिया है, क्योंकि जब तक कि हम ये नहीं बताएंगे, जैसे जनसंख्या की बात है, तो भारत की जनसंख्या 2021 में, 2011 में कितनी है, 2001 में कितनी थी, 1991 में कितनी थी, तो डाटा हमने बता दिया, लेकिन ये डाटा कहाँ से लिया है ये हमको बताना जरूरी है। इसी तरह से हम, हो सकता है बेरोजगारी की दर के बारे में बात हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्थान के प्रॉब्लम्स के बारे में जो जानकारी सेकेंडरी डाटा के रूप में लिया है, वो डाटा हमने कहाँ से लिया है ये उसका स्रोत बताना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की, हम जब सारणियन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो एक सबसे पहला जो अहम और मुख्य इसका ऑब्जेक्टिव है, हम उस डाटा को सिस्टमेटाइज करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। यानी एक तरह से सारणियन का जो मुख्य उद्देश्य है वो तथ्यों को व्यवस्थित करना होता है। जब तक कि तथ्यों को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सारणियन बनाने के पीछे हम डाटा को अरेंज करना चाहते हैं, उसको सिस्टम से लगाना चाहते हैं, उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो ये काम एक तरह से व्यवस्थित जब हो जाता है, तो उस चीज से कोई अर्थ निकलता है, उससे कुछ चीज समझ में आती है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल, एक तरह से जो सारणियन का जो दूसरा उद्देश्य कहा सकता है, एक तरह से सरल तरीका बनाना होता है, उसको कालमों और कतारों में व्यवस्थित करना होता है, जिससे कि वो सुगमता पूर्ण से समझा जा सके। टू एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, यानी एक तरह से जो सामग्री की जो विशेषताएं हैं उनको प्रस्तुत करना होता है। इसको हम कह सकते हैं तालिका या सारणी को देखते हुए उसमें प्रदर्श करने की सामग्री स्पष्ट हो जाए। टू समराइज टू डाटा, एक तरह से सारणियन के जरिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा, जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। उस डाटा में बहुत सारा डाटा जो हमारे उपयोग का भी नहीं होता है, लेकिन जब तक कि हम उनको एक तरह से उसमें से कुछ खास जो अपने ही रिसर्च के लिए है उसको समराइज नहीं करेंगे, उस डाटा को उसमें से छांट के अपने उपयोगी डाटा को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। ये काम टेबुलेशन का होता है। तो टेबुलेशन में हम, टेबुलेशन के पीछे ये उद्देश्य होता है, उस डाटा को समराइज करते हैं। इसके अलावा टू मेक डाटा कंपेरेबल, साथ में ये भी होता है कि हम उस डाटा को तुलनात्मक रूप से भी प्रस्तुत करें, तुलनात्मक रूप में सहायता देने वाला होना चाहिए। जब क्योंकि कोई भी चीज जब तक नहीं समझ में आएगी, जब तक कि हम उसका किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते। एक तरह से सारणियन सामग्री को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसका तुलनात्मक महत्व आसानी से समझ में आए। इसके साथ साथ एक तरह से एक्सप्रेस्ड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्पेस, हम सारणियन के पीछे एक ये भी उद्देश्य होता है कि हम उसको, उस डाटा को
सरल तरीके से, शॉर्ट तरीके से पॉसिबल स्पेस पे उसको व्यवस्थित करें, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा डाटा जो यूजफुल होता है, नॉन यूजफुल होता है, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्पेस है, कम से कम स्पेस में उस चीज को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, ये काम टेबुलेशन के जरिए हो सकता है। इसके साथ साथ मेक होल प्रोसेस इजी एंड सिंपल, मेनली इसका टेबुलेशन बनाने के पीछे हमारा पूरा पूरा उद्देश्य रहता है कि जो भी डाटा है, जो भी तथ्य एकत्रित हुआ है, उसको बहुत सरल से सरल ढंग से बनाना है, ताकि वो चीज क्लियर हो सके। टेबुलेशंस की विशेषताओं की, जब टेबुलेशन की विशेषताओं की बात करते हैं, तो टेबुलेशन की एक मुख्य विशेषता है एडिक्वेट साइज। एडिक्वेट साइज यानी एक ऐसा आकार जो कि जिसमें कि सब चीजें इकट्ठी हो जाएं, सब चीजें समझ में आ जाएं, एक उचित आकार, एक समुचित आकार हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उचित आकार से तात्पर्य आकार न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा हो कि वो चीज समझ में ही ना आए, आदमी उसको देखे तो वो चीज क्लियर ना हो। ऐसा साइज होना चाहिए जो कि उचित तरीके का हो, समुचित तरीके का हो। तो आकार बहुत बड़ा होने पर वो चीज समझ में, लेकिन आकार इतना छोटा भी ना हो उसमें सारी चीजें ना आ पाए, तो ये कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, परेशानी होगी। इसके साथ साथ कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी यानी तुलनात्मक आधार पर भी हम ये देखते हैं कि टेबुलेशन का इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उससे हम दूसरे की तुलना कर सकते हैं। जब तक कि हम तुलनात्मक रूप से उस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसके साथ साथ उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अर्थात जब तक कि उसमें स्पष्टता नहीं होगी, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए टेबुलेशन की एक विशेषता यह भी होती है कि हम तथ्यों को व्यवस्थित करके उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ सिंप्लिसिटी, यानी जब हम टेबुलेशन की बात करते हैं, तो हम तथ्यों को इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे कि वो चीज, तथ्य व्यवस्थित होकर वो चीज सरल ढंग से आम लोग की भी समझ में आ सकती है। इसके साथ साथ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज, यानी हम कह सकते हैं जो भी उद्देश्य लिया है उसके अनुकूल होनी चाहिए। जब तक कि हम उसको उसके अनुकूल नहीं करेंगे, उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, तो सारणी बनाने का फायदा क्या है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि अध्ययन का जो उद्देश्य है कुछ भी हो सकता है, जनसंख्या का उतार चढ़ाव भी हो सकता है, या कोई बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सामाजिक समस्या हो सकती है, जैसे दहेज प्रथा की बात है। तो हम जब तक कि उसके अनुकूल जो उद्देश्य जो भी लिया है, दहेज प्रथा से संबंधित लिया है, बेरोजगारी से संबंधित लिया है, या अन्य किसी से संबंधित लिया है, जब तक कि हम उस उतार चढ़ाव को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक कि टेबुलेशन का कोई मतलब। लेकिन टेबुलेशन की एक विशेषता है कि हम उतार चढ़ाव को, उस अनुकूल को हम उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य विशेषता है टेबुलेशन की, वो साइंटिफिक नेचर है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि हम टेबुलेशन जो कि टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें हम तथ्यों को व्यवस्थित करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? साइंटिफिक तरीके से, और साइंटिफिक नेचर है, इसमें कोई मनमर्जी से टेबल नहीं बना सकता, कोई काल्पनिक ढंग से उसमें सोच नहीं सकता, उसको व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात साइंटिफिक तरीके से। यानी जैसे हम साइंस की बात करते हैं, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, तो टेबुलेशन में भी हम स्टेप बाय स्टेप टेबल्स बनाते हैं, यानी उसमें कॉलम्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, तो वो साइंटिफिक तरीका होता है। के प्रकार की, जब हम सारणियन के विभिन्न प्रकारों की बात करते हैं, तो अलग-अलग इसके प्रकार हो सकते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि इसके प्रकार उद्देश्य के आधार भी हो सकते हैं और एक आकार के आधार भी हो सकते हैं। यहाँ केवल सिंपल टेबल्स और कॉम्प्लेक्स टेबल्स की बात कर रहे हैं। सिंपल टेबल का मतलब जहाँ पर एक ही गुण के आधार पर टेबल्स तैयार की जाती है, अर्थात एक ही बिंदु को लेकर हम उस टेबल्स को तैयार कर सकते हैं, एक उसको हम सिंपल टेबल कहते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कॉम्प्लेक्स टेबल, यानी एक तरह से जटिल सारणी की बात करते हैं। उस जटिल सारणी में हम टू वेज टेबल्स की बात कर सकते हैं, थ्री वेज टेबल्स की बात कर सकते हैं, मल्टीपोल टेबल्स की बात कर सकते हैं। इस तरह से टेबल्स के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। अब आगे चल के हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। टेबल की बात की जाती है, तो सिंपल टेबल यानी सरल सारणी की बात की जाती है। सरल सारणी में हम एक बिंदु को लेकर चलते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी क्लास में 100 बच्चे थे, उन 100 बच्चों के जो अंक है, जैसे हमने यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स की बात कही है, सो ऑप्टेंड मार्क्स यानी 40 से 50 बच्चों की, 30 बच्चों के नंबर
थे 40 से 50 के बीच है, 50 से 60 नंबर थे 25 बच्चों के, 60 से 70 नंबर थे 20 बच्चों के, 70 से 80 नंबर थे 15 बच्चों के, 80 से 90 नंबर थे 10 बच्चों के। इस तरह से एक बिंदु को लेकर जब हम टेबल्स बनाते हैं तो इस तरह की टेबल्स को सिंपल टेबल कहते हैं। से जब हम कॉम्प्लेक्स टेबल में खासकर टू वे टेबल की बात करते हैं, टू वे टेबल्स यानी द्विगुणी सारणी की बात करते हैं, तो द्विगुणी सारणी में वहां तो हमने सरल सारणी में हमने एक बिंदु की बात कही थी, एक गुण की बात कही थी, लेकिन जब टू वे टेबल की बात करती है तो दो गुणी टेबल की बात करते हैं, तो उसमें हम दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे एज ले लिया और हमने साथ में सेक्स ले लिया, यानी हम अगर हम बात करते हैं जहाँ खासकर टेबल्स में देख रहे हैं, एज ग्रुप दिखाया है, मेल और फीमेल दिखाया है, यानी 10 से 20 साल के जो एज ग्रुप था उसमें 10 मेल थे, 5 फीमेल थे, टोटल 15 हो गए। इसी तरह से 20 से 30 एज ग्रुप में हमने देखा कि 15 मेल है और 10 फीमेल है और 25 टोटल हो गया। इस तरह 30 से 40 में 15 मेल है, 20 फीमेल है, 35 टोटल हो गया। 40 से 50 में हमने 20 मेल लिए, 10 फीमेल और 30 टोटल आधार है। 50 से 60 एज ग्रुप में हमने देखा 20 मेल और 15 फीमेल और 35 टोटल होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर हमने एक गुण लिया था, यहाँ हमने एज लिया और सेक्स लिया, यानी दो आधार पर भी हम टेबल तैयार करते हैं। टेबल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक थ्री वेज त्रिगुणी तरीका भी हो सकता है जिसमें हम तीन बिंदु लेते हैं। जैसे कि हम खासकर इसमें जो बिंदु लिया है, एज ग्रुप हमने निश्चित किया है मैन वुमेन और टोटल, यानी हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर एज लिया है, सेक्स लिया है और करेक्टर लिया है। जैसे 20 से 30 एज ग्रुप में हमने मैन में गुड गुड के 5 हैं, बैड के 6 हैं, टोटल हो गए 11। इसी तरह वुमेन में हमने गुड के 6 लिए, बैड के 6 लिए, टोटल हो गए 12। इस तरह टोटल की बात करते हैं तो गुड के 11 और बैड के 12 और टोटल हो गया 23। इसी तरह से हमने 30 से 40 का लिया, 40 से 50 का लिया, 50 से 60 का लिया और इस तरह से टोटल हमारा हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। इस तरह से हमने इस तरह के टेबल्स भी बना सकते हैं जिसमें हम जटिल जटिल जो सारणियां हैं उसमें तीन गुण के आधार पर भी टेबल बना देते हैं। जब हमारे पास डाटा एक बड़े क्षेत्र का होता है तो उसमें हम गुण ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो उसके आधार पर हम इसको टेबल बना के वो चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जटिल सारणी में हम जब बहुगुणी आधार पर, अभी तक हमने दो गुणी, एक गुणी और तीन गुणी के आधार पर बात की थी, लेकिन कभी कभी हमारे पास डाटा एक बड़े क्षेत्र का डाटा हो सकता है, हमारी रिसर्च में कई चीजें बिंदु हो सकते हैं जिसमें हम मल्टीफोल्ड वेज ले सकते हैं, बहुगुणी आधार ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट सिटीज, यहाँ पर हमने सिटी का जिक्र भी किया है, पॉपुलेशन का भी जिक्र किया है, मेल और फीमेल का भी जिक्र किया है, साथ में हमने रिच और पुअर, लिटरेट इलिटरेट की बात की। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सिटी का नाम भी आ गया, पॉपुलेशन का जिक्र भी हो गया, मेल का जिक्र हो गया, फीमेल का जिक्र हो गया, मेल फीमेल में रिच कौन है, पुअर कौन है, लिटरेट कौन है, इलिटरेट कौन है। इस तरह से मल्टीफोल्ड बहुगुणी आधार प्रस्तुत हुआ। जैसे हम लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ की पॉपुलेशन हमने यहाँ प्रस्तुत किया है कि 20 लाख। इसी तरह से रिच रिच की हमने यहाँ रिच इसमें मेल, जो रिच मेल है वो 5 है, पुअर मेल 5 है, लिटरेट 4 है, लिटरेट 6 है। इसी तरह फीमेल में हमने 5, पुअर 5, लिटरेट 6 और इलिटरेट 4। इस तरह से हमने बरेली का जिक्र किया है, कानपुर का जिक्र किया, मेरठ का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, टोटल। इस तरह से हम बहुगुणी आधार पर भी टेबल बना के उस चीज को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इस तरह से हम अगर देखते हैं कि हम टेबल्स बना के उस चीज को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन अगर टेबल ना बनाए, उसको क्लासिफिकेशन उसका ना करें, तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। हम बहुत सारा डाटा शेड्यूल के जरिए, क्वेश्चनर के जरिए, ड्रू के जरिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सारा डाटा एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको वर्गीकृत करते हैं उसके बाद उसकी टेबल बनाते हैं तो वो डाटा अच्छी तरह से समझ में आता है और हम सामने वाले को समझा सकते हैं। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए उसका टेबल बनना बहुत जरूरी है, बिना टेबल के हम उस चीज को अच्छी तरह से नहीं समझा सकते। पुराने समय में जब स्टेटिस्टिक्स का उतना प्रयोग नहीं होता, टेबल्स प्रयोग का प्रयोग नहीं होता, तो उस समय ये कहा जाता था कि वो चीज क्लियर नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से हमने देखा रिसर्च में टेबलेशन की बात आती, क्लासिफिकेशन की बात आती, तो उस चीज में वो एक साइंटिफिक तरीका है जिसके जरिए हम वो चीज को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं।